This aura is beautiful. Ah, it's aura. And she's Nora. Aura by Nora. आपका करेंगे पहले जजों को सुन लेते तो लड़कियों में तो तेरे को इंटरेस्ट है नहीं वैसे भी सच में नहीं है आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं क्या I like to talk in English. Oh, please. Oh. You're looking like tomato. What you are known as a pocket rocket. Do you know what that is? Yeah, I know. Nisha, heels ke saath? Kya baat hai? Sabko dikhao kya kya heels aap pehen rahe ho pe. Oh my God. Beech-beech mein kahin meko iska style thoda laga ke अभी पकड़ने में टाइम लगेगा तो दोस्तों झलक दिखला जा सीजन 11 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आई मनीषा रानी ने हाल फिलहाल में अपनी अदाओं से हर जगह तहलका मचाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 की सेकंड रनर अप रही मनीषा रानी झलक दिखला जा सीजन 11 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करते ही इस शो की टीआरपी सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जनता को मनीषा रानी का क्यूट सा अंदाज काफी पसंद आ रहा है और अपनी कॉमेडी और धमाकेदार परफॉर्मेंस से उन्होंने सबका दिल जीत भी लिया है। बता दें कि झलक दिखला जा के पिछले एपिसोड में मूवी के प्रमोशन के लिए स्पेशल गेस्ट बनकर आए क्रैक मूवी की सारी टीम ने कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंसेस को एंजॉय किया और खूब हंसी मजाक भी की। फिर भला नटखट सी मनीषा रानी भी कैसे पीछे रहती, उन्होंने भी इन गेस्ट के साथ खूब मजे लिए और शो में मौजूद नोरा फतेही और एमी जैक्सन की टांग खींचना शुरू कर दी। दरअसल मनीषा की परफॉर्मेंस पर नोरा ने कहा कि उनका ऑरा नोरा जैसा है। बाद में एमी जैक्सन ने भी मनीषा की तारीफ करते हुए कहा कि वो पॉकेट में रॉकेट के समान है। उस पर मनीषा ने एमी को आप टोमेटो जैसी लगती हो ऐसा जवाब देकर वहां मौजूद सभी को से लुटपुट कर दिया। आखिरकार झलक दिखला जा के कंटेस्टेंट शोएब इब्राहिम से कंपटीशन के दौरान वो हार गई, क्योंकि जजेस को उनके परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत कमियां नजर आईं। तो और इसके बिहार की गलियों से निकलकर आई होनहार कलाकार मनीषा रानी ने जनता के दिलों में अपनी जगह और भी मजबूत कर दी है। बता दें दोस्तों की झलक दिखला जा सीजन 11 में कुछ कंटेस्टेंट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को इस सीजन में इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए शो के मेकर्स कुछ ही कंटेस्टेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इससे उनके कॉन्स्पिरेसी की पोल बेशक खुल गई है। दोस्तों आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि ऐसे रियलिटी शोज टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका इस सीजन में फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पिछले एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट कर जरूर बताएं।